डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जस्ट एक लॉजिक है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आए ना आए मुझे मालूम नहीं है, बड़ा सिंपल लॉजिक है. डायपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि अभी तक हमने ये माना कि डायपोल कहाँ पर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म कैसे, ई की वैल्यू राइट साइड की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज, कम ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया. नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो इसमें डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यूई, माइनस चार्ज ऑपोजिट करेगा क्यूई, पर ई बराबर नहीं है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन बढ़ रहा है, तो यहां ई बड़ा है, यहां ई छोटा, तो ये फोर्स बड़ी ये फोर्स छोटी, तो डायपोल का क्या होगा, राइट की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां की फोर्स बड़ी यहां की छोटी हो गई ना, टॉर्क तो होगा नहीं क्योंकि एक ही लाइन पे फोर्सेस हैं, तो इसकी मूवमेंट राइट की तरफ हो जाएगी. ठीक, लॉजिक समझ में आ रहा है.